व्हाट अ स्पीड, जबरदस्त। किसी टाइम भी हमारे पास से पास होने वाली है, सो लेट्स फिनिश दिस एज सून एज पॉसिबल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दिन है आज जुमातुल मुबारक और तारीख हो गई है 20 सितंबर 2024, और हम आज मौजूद हैं 5 अप ग्रीन लाइन पर वर्किंग करने के लिए। तो ड्राइवर साहब से हम मिल के आ चुके हैं लोटो, खालिद हमीद साहब जा रहे हैं हमारे साथ ड्राइवर साहब, और उनके साथ जाहिद रजा साहब हैं असिस्टेंट ड्राइवर। खालिद हमीद साहब का आज मेल एक्सप्रेस पे फर्स्ट एवर यानी कि ओपनिंग है, पहला ट्रिप है। तो चलिए देखते हैं कैसा ट्रिप रहता है आज हमारे साथ। प्रेशर जो है वो ड्राइवर साहब ने चेक कर लिया है, और अब किसी भी टाइम विसल हो सकती है। ग्रीन लाइन आज 12:05 पर यानी कि 25 मिनट लेट आई है खानेवाल। तो चलिए विसल का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं आज की कार्रवाई। कहीं मजा आएगा, हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो लाजमी पूछिए, मैं अपने नॉलेज के मुताबिक आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो चलिए चलते हैं अपनी ड्यूटी की तरफ, और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं शुरू से। कपल ZCU 26426 और 6423, आज देखिए किस गुड्स के साथ लगते हैं, गालबन ZBTO के साथ। 5 अप ग्रीन लाइन खानेवाल के प्लेटफार्म नंबर 1 पर। आज ये गोच सर सैयद एक्सप्रेस की लगी हुई है ग्रीन लाइन में। कंडक्टर गार्ड साहब फरीद शाह साहब जाएंगे आज हमारे साथ। जी व्यूअर्स, तो हम आ चुके हैं अपनी ब्रेक पर। खालिद मीत साहब आज हमारे साथ जा रहे हैं, पहला ट्रिप है उनका मेल एक्सप्रेस का। और चलिए, हमें कहा गया था कि अपनी ब्रेक का जो है फुल रिव्यू दें, तो हम अपनी ब्रेक का दोबारा फुल रिव्यू दे देते हैं। ये है हमारे पास साइड लैंप का बटन, जिसमें दो ऑप्शन है, वाइट के और एक रेड के। इसके अलावा ये हमारे लैंप का बटन है, ये फ़ैन का है, फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास इन केस ऑफ एमरजेंसी। ये है जी हमारा सो नाइस नीट एंड क्लीन सुपर क्लीन वॉशरूम, जिसमें हमारे पास कमोड है, साइड बेसन है, शावर है, शीशा है, और उसके अलावा हमारे पास ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं इन रूट, जो अगर कोई लगेज डिस्पैच करना उसके लिए। उसके अलावा हमारे पास है एक डॉग बॉक्स, रेलवे ऑप्शन देती है अपने जो पेट्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, तो उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन ये पेट बॉक्स है, जिसमें डॉग बॉक्स, डॉग गॉट वगैरह जो छोटे जानवर होते हैं जिनका जो हाइट है वो 3 फुट से कम हो, 3 फीट, तो वो भेजे जा सकते हैं। उसके अलावा हमारी वर्किंग चेयर है, टेबल है सुपर क्लास, और रियर जो है वो विंडो है ताकि हमें पीछे पूरा जो है ना वो व्यू नज़र आता रहे। रीडिंग लाइट है, नाइट में काम आती है, और ये हमारा चार्जिंग पॉइंट है, हम मुख्तलिफ मतलब मेट्रोला और अपने मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारी हैंड ब्रेक है, जैसे पुल करके हम हैंड ब्रेक लगा सकते हैं जिस तरह गाड़ी में होती है, अगर इन केस ऑफ एमरजेंसी हमारी प्रेशर ब्रेक फेल हो जाए तो उसके बाद ये काम आती है। ये जी हमारा अलार्म चेन पुल है, इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर ड्राइवर को फौरी रोकना हो तो हम इसको दबाएंगे, प्रेशर रिलीज़ होगा, ब्रेकिंग प्रेशर रिलीज़ होगा और गाड़ी को ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगी, ड्राइवर को इंडिकेशन जाएगी और वो फुल ब्रेक अप्लाई कर देगा। ये हमारा प्रेशर गेज है जो बताती है कि कितना प्रेशर है, इसको हमेशा 5 बार होना चाहिए, ये 4 है, ये 6 है, इसके बिल्कुल सेंटर में 5 का डिजिट होगा,
यानी कि इस टाइम हमारा जो प्रेशर है वो 5 बार और 5 बार ही होना चाहिए। कम होगा तो ब्रेक अप्लाई रहेगी, रिलीज़ नहीं होगी। ज़्यादा होगा तो ब्रेक अप्लाई ही नहीं होगी, तो इसको प्रॉपर 5 बार होना चाहिए। इसके अलावा ये डोर स्टॉपर हैं, एक अलग-अलग कंपार्टमेंट है, कोई बड़ा लगेज आ जाए। और उसके अलावा डस्टबिन है, तो पंखे भी हमें माशाल्लाह दो दो दिए गए हैं। उसके अलावा ये एयर डकेट है हमारी, और इसके अलावा कोच नंबर जो है ये हमारा अंदर भी शो होता है। इस तरह बाकी जो कोचेज हैं उनमें भी उनका कोच नंबर जो है वो अंदर शो हो रहा होगा। तो ये था हमारा कोच का छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ। तो चलिए अब अपना जो ऑफिस है उसको रेडी करते हैं। ग्यारह बज के 5 मिनट पे अरावल हुआ था और 20 मिनट 11:05 पे हमारा अराइवल हुआ था। ग्रीन लाइन 5 आपका खानेवाल स्टेशन, और 20 मिनट स्टॉप करने के बाद दोबारा डिपार्चर हो रहा है, यानी कि 25 मिनट लेट 11:25 पे। जी व्यूअर्स, गार्ड के साथ आपको एक रेड सी लाइट जलती हुई नज़र आ रही होगी, इसे हम कहते हैं साइड लैंप। ये ड्राइवर को इंडिकेट करता है कि गाड़ी जो है वो एंड तक कंप्लीट इंजन के साथ जा रही है, तो उसकी इंडिकेशन के लिए ये एक लैंप लगाया गया है, जिसका कंट्रोल मैंने आपको ये दिखाया था। ये हमारा कंट्रोल है जिससे हम इसकी लाइट को चेंज कर देते हैं। रियर साइड में हमेशा इसके रेड ही होता है, वाइट जो होता है वो फ्रंट साइड पर यानी कि इंजन साइड पर होता है। रियर विंडो हमने आज ओपन कर ली है क्योंकि सितंबर में भी शदीद किस्म की गर्मी महसूस हो रही है। आज मौसम हालांकि काफ़ी बदल गया है, हब्स वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आज काफ़ी गर्मी है। जी हमारे पास 12:43 यानी कि 12:43, और हम क्रॉस कर रहे हैं अपना दूसरा स्टेशन राजपूत नगर। खानेवाल से लाहौर के दरमियान 21 वर्किंग स्टेशन हैं, जिनमें ग्रेड 1, 2, 3 तीनों स्टेशन शामिल हैं, और 285 किलोमीटर का ये सफ़र है, जो कि तकरीबन हमारा 2.5 घंटे का सफ़र बनता है। लेकिन देखते हैं कि आज ड्राइवर साहब कितनी देर में सफ़र तय करते हैं।
जी व्यूअर्स, तो टाइम हो रहा है हमारे पास 1:55। जी व्यूअर्स, टाइम हो रहा है हमारे पास 2:15 और हम क्रॉस कर रहे हैं ओखाड़ा स्टेशन। हमारा जो है वो स्टार्टर सिग्नल आज लेट लोर हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्लो पास करना पड़ रहा है। गालबन 7 अप यानी कि तेज़ गाम हमारे आगे आगे जा रही है, देखते हैं कि कहाँ वे होता है उसका। एनीवे बड़ा स्टेशन की बिल्डिंग जो है ये लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रही होगी, इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग बनाई गई है। जी तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो हमने सोचा कि अब खाना जो है वो खा लेना चाहिए। तो खाने में आज हमारे पास है एडम जी का ज़ीरा रायता, और इसके अलावा क्या है देखते हैं। वाओ, गुलाब जामुन माय फेवरेट। और इसके साथ साथ जो है हमारे पास हैं आज नान, दाल है, ये हरी मिर्च है, और बिरयानी है, और साथ जो है वो कोरमा है, चिकन कोरमा। सो लेट्स ट्राई दिस, और उसके बाद आपको बताते हैं कि आज का खाना कैसा। प्रीटी नाइस एक्सपीरियंस, जबरदस्त बना हुआ है आज का खाना, काफी जबरदस्त है। दाल ट्राई करते हैं। सो नाइस। और चम्मच है हमारे पास 2 in 1, ये फोर्क भी है और स्पून भी है, तो इसका क्या नाम होना चाहिए कमेंट सेक्शन में बताएं, जो फोर्क और स्पून दोनों का मिक्सचर है। जी तो कंपनी जो ये कैटरिंग का सारे मामला देख रही है रॉयल स्विस है, और पेपर जो इन्होंने लगाया हुआ है ये डिकम्पोजेबल है, तो दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर एनवायरमेंटल हेल्थ ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट एरिया। बाकी ये इन्होंने मारगला रेलवे स्टेशन, रावलपिंडी रेलवे स्टेशन, लाहौर और कराची के कुछ डिज़ाइन बनाए हैं। बहरहाल खाना इसका बहुत अच्छा था, मसाले बहुत ज़्यादा नहीं थे, बहुत ही लाइट वेट किस्म का था, यानी कि फर्स्ट डे से आज तक इन्होंने काफ़ी अच्छा मैार कायम रखा हुआ है अपना। सो नेक्स्ट थिंग इज़ खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता है, और टिश्यू पेपर, और थिंग इज टूथपिक है हमारे पास। सो एंजॉय, आप सफ़र एंजॉय कीजिए, हम अपना मील एंजॉय कर रहे हैं। तो टाइम हो रहा है हमारे पास 2:32, और हम पहुंच रहे हैं हबीबाबाद। हबीबाबाद के बाद पतोगी, पतोगी के बाद आएगा हमारा अगला स्टेशन छांगा मांगा। पाकिस्तान का सबसे जो पहला और बड़ा हाथ से लगाया गया जंगल है छांगा मांगा, के बाद आएगा कोट राधा किशन, काफ़ी पुराना और स्टेशन है हमारा। उसके बाद प्रेमनगर, प्रेमनगर का जो ओरिजिनल नेम था पुराना वो था घनिए के, अभी भी पीछे एक आबादी है।
इस नाम से, और प्रेमनगर हमारी ड्राई बोर्ड है। ड्राई बोर्ड के बाद हमारा अगला जो स्टेशन है राय विंड तबलीगी मरकज, उसके बाद जिया बग्गा, लखपत, वाल्टन, लाहौर कैंट और लाहौर इंशाल्लाह। कोई हमारे साथ मुकाबला करने की सर तोड़ कोशिश कर रहा है, बट दे डोंट नो दिस इज ग्रीन लाइन। टाइम हो रहा है 2:46 और हम वे कर रहे हैं पतोगी स्टेशन पर 7 अप को। राइट साइड पे आपको नज़र आ रही होगी, शायद ये अभी भी पहुंची है, इसलिए हमारे जो डिपार्चर सिग्नल हैं वो भी लेट लोर हुए हैं और हमें यहाँ से स्लो पास होना पड़ा है। दूसरी तरफ 10 डाउन जो है वो पतोगी स्टेशन पहुंचने वाली है। लेफ्ट साइड पे आपको काफ़ी सारे पैसेंजर्स उसका इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। उस पे आ रहे हैं जनाब सज्जाद रज़ा साहब और इंजन नंबर है AG 36026। PLC दी गई है जी यहाँ पर। और जी 10 डाउन का भी अराइवल हुआ ही जाता है, उसके फॉलोइंग में है अभी छांगा मांगा पहुंच रही है 8 डाउन। तो 7 अप तेज़गाम के साथ GEU 409023 अटैच है। सो लेट्स सी कहाँ पहुंचती है हमारी 10 डाउन, कहाँ पे उसके साथ पास थ्रू होता है। व्यूअर्स, आप में से कितने मेरे अहबाब हैं, दोस्त हैं, देखने वाले हैं जो कि रोज़ाना की बेस पे बुक रीडिंग करते हैं। मेरी स्टडी में आजकल ये चल रही है द गॉड अ गॉड इन एवरी स्टोन रिटन बाय कामला शमसी साहिबा। बहुत ज़बरदस्त किताब है और बेसिकली थोड़ा सा इसका मैं आपको तारुफ करवा दूँ किताब का। ये एक नावल की सूरत में लिखी गई है और बैकग्राउंड जो है वो इसका पेशावर का है। बाबर ने कहा था कि अगर एक अंधा अफ़गानिस्तान की तरफ सफ़र करना शुरू करे तो वो खुशबू से बता देगा कि पेशावर आ चुका है। वो तारीख जो हमें नहीं पढ़ाई गई, वो तारीख जो हम नहीं जानते, वो आपको पेशावर के इस नावल में मिलेगी। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कामला शमसी साहिबा ने उसको जो है ना वो डिस्कवर और कवर किया हुआ है अपने इस नावल के करेक्टर्स में। तो आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद बुक्स का रिव्यू आपको इस सफ़र के दौरान देता रहूं, तो कमेंट सेक्शन में बुक रिव्यू लाजमी लिखिएगा। अगर मुझे 10 लोगों के भी कमेंट्स बुक रिव्यू के आ गए तो मैं अगली बुक्स जो हैं उनका प्रॉपर रिव्यू ड्यूरिंग जर्नी 1 से 2 मिनट का होगा, ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव और प्रिसाइस दोनों 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बुक रिव्यू जारी रहे और आपको मज़ीद अच्छी अच्छी किताबों के मुतालिक मालूमात मिलती रहे, तो कमेंट सेक्शन में बुक रिव्यू लाजमी लिखिए। जी 10 डाउन अप्रोच कर रही है बिटवीन कोट राधा किशन एंड छांगा मांगा। इंजन नंबर 6026 AG 30 और ड्राइवर साहब हैं सज्जाद रज़ा साहब। पासिंग छांगा मांगा एट वेरी स्लो बेस, यहाँ पे भी हमारे PLC दी गई है और अनकरीब क्रॉस होने वाला है 8 डाउन से। HGMU 30 8219 ड्राइवर असद नईम साहब लीड कर रहे हैं आज 8 डाउन को। और ये बिटवीन छांगा मांगा कोट राधा किशन क्रॉस होने लगा है।
जबरदस्त। ये है जी हमारी ड्राई पोर्ट प्रेमनगर, जिस पे हमारे कंटेनर्स उतरते हैं और यहाँ से रीलोड भी होते हैं, फिल होने के बाद अनलोडिंग फिल लोड रीलोडिंग होती है। ड्राई पोर्ट का नाम है प्रेमनगर। पहले यहाँ पे जो था आबादी का नाम घनिए के था, लेकिन जब ये पोर्ट डेवलप हुई है तो इस जगह का नाम जो था वो प्रेमनगर रखा गया। जी व्यूअर्स, तो टाइम हो रहा है 4:02 और हम पहुंच चुके हैं अपने लाहौर स्टेशन पर। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन गुजर रही है लाहौर स्टेशन के ऊपर से, ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन, वाओ नाइस कॉम्बिनेशन। जी व्यूअर्स, तो माशाल्लाह आज का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। 4:05 पे तकरीबन 45 मिनट लेट हमारा लाहौर अराइवल हो चुका है। तो ये भी करते हैं अपने ब्लॉग का अख्तितम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, याद करते रहिए, याद आते रहिए, नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ, वफाओं के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले ब्लॉग तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।